श्रद्धा माने गुरु में विश्वास, श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। महाभागवत विजय कृष्ण गोस्वामी कहा करते थे कि सद्गुरु ने जिस पर कृपा की है उसकी मुक्ति में 3 जन्मों से अधिक विलंब नहीं होगा। सद्गुरु जिस समय किसी को शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं उस समय उसके इह जन्म और पूर्व जन्मों के समस्त कर्मों को करामलकवत अपने आयत में करके ही ग्रहण करते हैं। उनकी शक्ति के वशीभूत होने पर शिष्य के नए कर्म संचित नहीं हो पाते। जीवन के सत्य और असत्य जो कुछ कर्म समस्त ही पूर्व और प्रारब्ध कर्म के फल भोग के रूप में अनुष्ठित होते हैं। वर्तमान जीवन भोग के द्वारा उसका क्षय नहीं होने से शिष्य का पुनर्जन्म सद्गुरु की व्यवस्था के अनुसार होता है। जिस देश में, जिस वंश में, जिस पिता के औरस में और जिस माता के गर्भ में उसका जन्म होने पर पूर्व कर्म फल भोग में सुविधा होगी, फिर भी नूतन कर्म संचित नहीं होंगे, उस देश में और उस वंश में उन माता पिता का आश्रय कराकर उसका जन्म सद्गुरु की शक्ति के प्रभाव से होता है। सद्गुरु अपने शिष्य का इतना ख्याल रखते हैं। सद्गुरु की शक्ति भगवत शक्ति का अन्य नाम है। जो गुरु भक्त ऐसे भगवत स्वरूप सद्गुरु की शरण में रहते हैं वे समस्त त्रिलोकी में सबसे सौभाग्यशाली हैं। उनसे बढ़कर और कोई सौभाग्यशाली नहीं है। भगवान के साथ उनका अटूट योग हो जाता है। इसलिए सद्गुरु के एकनिष्ठ भक्त सेवक के प्रति भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के एकनिष्ठ परम भक्त महात्मा गिरीश चंद्र घोष इसके ज्वलंत उदाहरण है और ऐसे कई उदाहरण हमें शास्त्रों में देखने और सुनने को मिलते हैं। सद्गुरु का एकनिष्ठ भक्त जन्मांतर में भी उनका हाथ छोड़कर नहीं जा सकेगा, अपितु यह कहना उचित होगा कि सद्गुरु उसको नहीं छोड़ते। इसलिए कंगाल कवि के मात्र रजे पित्र विजे गुरु दिलेन तरी सेजे आदि गान बंगाल के गांव गांव में, खेत खलिहान में, नदी वक्ष के आकाश और हवा को मुखरित बनाकर गूंज रहा है। ये सद्गुरु की महिमा है। जीव अपने कर्म फल का भोग अवश्य करेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मा कर्म शुभाशुभम। शुभ हो या अशुभ हो, हर तरह के कर्म फल का फल भोगना ही होगा। यदि ऐसा होता है तो क्या सद्गुरु की कृपा का कोई अर्थ नहीं रहता? नहीं, कर्म फल का भोग तो अवश्य करना होगा, परंतु सद्गुरु की कृपा से
शिष्य के नूतन संचित कर्म फल का भार नहीं बढ़ सकेगा। सद्गुरु के शिष्य भक्त का स्वयं करता हूं के रूप में कुछ नहीं रह सकेगा। मेरे द्वारा जो कुछ होता है वह गुरु तत्व ही करा रहा है। यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, उस वाक्य की पूर्ण स्वच्छंदता में फलेगा ही फलेगा। सद्गुरु जो इस तरह के शक्ति संचार और कर्म क्षय करने का सामर्थ्य रखते हैं, उनके बारे में श्रीमद् भागवत के नवर्षी संवाद संबंधी एक श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जैसे महाराज निमि ने कहा, यथैतामैश्वरी मायाम दुस्तरा न कृतिमात्म भी। अर्थात हे महर्षि, जो अपने अंतःकरण को वश में करने में समर्थ नहीं हुए हैं, उन मोटी बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए दुस्तर ईश्वरीय माया को किस प्रकार अनायास पार किया जा सकता है। उनके लिए क्या सुगम मार्ग है, कृपया इसका वर्णन कीजिए। महाराज निमि की इस जिज्ञासा के उत्तर में प्रबुद्ध नामक ऋषि ने सर्वप्रथम कर्तव्य का निर्देश कर कहा कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। अर्थात सुमंगल के जिज्ञासु व्यक्ति का शब्द ब्रह्म के पारगामी और परब्रह्म में निमग्न, इंद्रिय निग्रह युक्त शांत श्री सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। इससे कैसी भी मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति हो, वह सहज ही तर जाता है। जान ये जान तारा, ये गुरु जाने बड़ आपनार जाने, दिए जान जान ये जान ताव जान धरे दे अटान। निराकार चैतन्य स्वरूप की जाने की रूप अरूप, सुशील कहे गुरु चिन्मय केवल भजले वर्तमान। अर्थात सद्गुरु का भजन करने पर ही सद्गुरु की सेवा पूजा और परिचर्या करने पर ही आदि गुरु भगवान सद्गुरु रूपी नर विग्रह में आत्म प्रकाश करेंगे। यह सत्यवाणी जय युक्त होकर सर्वत्र प्रचारित हो। आकुल और आकांक्षी गुरु भक्त आश्वस्त हों।